वॉलीबॉल का पूरा कोर्ट एक नेट से दो हिस्सों से बटा होता है। हाथ के सहारे बॉल को नेट के पार दूसरे पाले में गिराना और अपने पाले में गेंद को नहीं गिरने देना ही इस खेल में जीतने का एकमात्र तरीका है। इसके दो तरीके हैं। पहला कि आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो ताकि सामने वाला कितना भी आक्रामकता के साथ गेंद को आपके पाले में भेजे, आप उसे अपने पाले में गिरने ना दें। और दूसरा, उसके आक्रामक तरीकों को ना सिर्फ अच्छे से झेले बल्कि आप उससे भी अधिक हार्ड हिट करें। अब इस खेल के जितने के नियमों को जरा असल दुनिया के नियमों से मिलाते हैं और देखते हैं धर्म और विधर्म को लड़ाई में हम हार रहे हैं क्या जीत रहे हैं। नमस्ते हिंदुस्तान। आतंकी संगठन अलकायदा की आधिकारिक मीडिया शाखा या मुखपत्र अस-सहाब ने त्रैमासिक पत्रिका वन उम्माह का पांचवां संस्करण जारी किया है। पत्रिका के एक भाग में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। साथ ही पत्रिका ने नुपुर शर्मा के बयान के बहाने मुस्लिमों को भारत के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा गया है। लेख में पीएम मोदी की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से पैर की मोहर के सामने छापा गया है। अलकायदा के लेख में कहा गया है, भारत की हिंदू सरकार मुस्लिम दुनिया की चुप्पी से उत्साहित थी और इस बार हद पार कर पैगंबर का अपमान कर दिया। इसके साथ ही आतंकी संगठन ने कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम देने में मुस्लिम देशों की मदद भी मांगी है। दोस्तों, पत्रिका में आगे कहा गया है, हम अपनी नेक उत्साह को उम्मा को इस हिंदू सरकार के खिलाफ एकजुट होने और भारत में हमारे भाइयों और बहनों की मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि अल्लाह के दुश्मन हमारे पैगंबर के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक अपराध को दोहराने की हिम्मत ना कर सके। सुन रहे हैं आप। पत्रिका के अनुसार हम सभी मुस्लिमों विशेष रूप से व्यापारियों को भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने, हिंदू कर्मचारियों को मुस्लिम देशों से बाहर निकालने का आह्वान करते हैं। पत्रिका में हिंदुओं की तुलना यहूदियों से की गई है और देश में कथित तौर पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। बकौल वन उम्मा, भारतीय शासक वर्ग में हमेशा इस्लाम के प्रति अनादर और घृणा व्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय शासक का मुस्लिमों के जबरन विस्थापन, उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने, जेलों में यातना देने और मुस्लिम समुदाय को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने का आपराधिक रिकॉर्ड है। पत्रिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस तरह से यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के साथ आपराधिक व्यवहार किया है, उससे भारत अलग नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत की हिंदू सरकार मुस्लिम देशों की चुप्पी से प्रोत्साहित हुई और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। पत्रिका के मुस्लिम राष्ट्रों को नुपुर शर्मा की कथित टिप्पणी की केवल निंदा करने और भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी फटकार लगाई है। पत्रिका के अनुसार आगे क्या है, जरा सुनते जाइए। इन रीढ़ विहीन सरकारों ने अपमान और अपराध का जवाब केवल खोखली निंदा से दिया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर इन देशों ने भारत की हिंदू नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देना जारी रखा हुआ था और उनके साथ व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाए रखे हैं। पत्रिका ने इसके साथ 9/11 में जान गंवाने वाले आतंकवादियों की तस्वीर छापी है और मुस्लिमों से कहा है कि वे इन नायकों को कभी न भूलें। आप इस बात को इस तरीके से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं कि ये बातें अलकायदा ने कही, पाकिस्तान सरकार ने नहीं, पाकिस्तान का भी यही वर्जन है। और यह बात मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ मेरे प्यारे सनातनी दोस्तों, क्योंकि आप देखते जाइए कि कोई भी मजहबी देश अलकायदा के इस बात का खंडन तक नहीं करेगा। वो बस डिप्लोमेसी का तरीका अपनाकर इस बात को अलग तरीके से कहेंगे, क्योंकि वहां कुर्सी पर इमरान बैठे, शाहबाज बैठ जाए या हाफिज सईद, बात एकदम एक ही है। अब आप बताइए, इस लड़ाई में आप डिफेंसिव होकर बस हार टालना चाहते हैं या हार्ड हिट करके इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं? उनका वर्जन एकदम क्लियर है और हमारा
बहुत ब्लर, डार्क, ग्रे। हम कुछ लोग हैं जो हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, हिंदू इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम और वो हमें अपने देश से निकालने की बात करते हैं, हमारे हिम्मत पर सवाल करते हैं और कोई उफ तक नहीं करता। उसी ताकत और मेंटालिटी का एक रिफ्लेक्शन है जो हमें अपने देश में, अपने आसपास हर सांप्रदायिक विषयों में देखने को मिलता है। मजहबी अपनी मान्यताओं को मनवाने में आक्रामक है और हम सेक्युलर होने और लिबरल होने में इंटेलेक्ट फील करते हैं कि बहुत ज्ञानी है रे बाबा। वहाँ हिंदुओं के खिलाफ किसी न किसी बहाने क्रूरता होती रहती है। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़के लव कुमार मेदवाड़ को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट पर भगवान से शिकायत की थी। लड़के को गलती सिर्फ इतनी सी है कि उसने पोस्ट में भगवान की जगह मौला शब्द का इस्तेमाल किया। उस लड़के पर पाकिस्तानी कानून के तहत ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के अनुसार पाकिस्तान में सिंध के थार पार्कर थार जिले के मीठी इलाके में रहने वाले सिंधी हिंदू लड़के लव कुमार को पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, लव ने 22 नवंबर 2022 को भगवान को संबोधित करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में भगवान के स्थान पर मौला शब्द का इस्तेमाल किया। इस गलती की वजह से उस पर पाकिस्तान पेनल कोड की धारा 298 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच देख लीजिए, अपना खुद की ट्रिक चेक कर लीजिए। आपको बता दूं कि सिंधी भाषा में भी मौला शब्द का प्रयोग आमतौर पर भगवान को संबोधित करने के लिए किया जाता है। कराची की एक महिला पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा है कि सिंध में हिंदू और मुस्लिम दोनों भगवान को मौला, भगवान, धारी या ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा सिंधी साहित्यों में भी मौला शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही किया गया है। पत्रकार ने पाकिस्तानी सरकार से नागरिकों की रक्षा करने के लिए अपील की। फरवरी 2022 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने सिंध में ही ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू कॉलेज शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। नौतन लाल एक सरकारी डिग्री कॉलेज में शिक्षक थे। उन्हें साल 2019 में ही गिरफ्तार किया गया था। आश्चर्य की बात क्या है पता है आपको, कि नौतन पर उन्हीं के क्लास के एक स्टूडेंट ने ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिना किसी जांच के उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। अब इतना बताकर गेंद मैंने आपके कोर्ट में डाल दिया है, डिफेंस या अग्रेसिव आपको देखना है मेरे प्यारे सनातनी दोस्तों। मेरा काम है कि सारे तथ्यों को, जितने भी आसपास में जो मुद्दे हुए हैं, हो रहे हैं, वो इकट्ठा कर मैं आपके पास, आपके कोर्ट में डाल दूंगी। बाकी अब आपको खुद समझना है, स्वयं निर्णय करना है कि आप किस तरह का जीवन व्यापन करना चाहते हैं और किस तरह का खेल अब आप खेलना चाहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना मानती हूं कि जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि समझदार के लिए इशारा काफी है, और मानती हूं कि मेरे परिवार के हर सनातनी बंधु उतना ही समझदार है जितना कि मैं समझती हूँ। तो अपने समझदार बंधुओं से सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि बस अब वक्त आ गया है, समझ जाइए, संभल जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी ही जल्दी आप संभलेंगे और उतनी ही जल्दी आप तैयार होंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो न झुकेंगे न रुकेंगे। और आप, जय हिंद, वंदे मातरम।